मैं भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं और ना ही मैं किसी से डरता हूं, ना तो सीएम से और ना ही महेंद्र सिंह से। लंबे समय बाद पत्रकारों से मुखाबित होते हुए सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने एक घंटे की पत्रकार वार्ता में जमकर अपना गुब्बार निकाला और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर निशाने साधे। अनिल शर्मा ने कहा कि आज सीएम जयराम ठाकुर मंडी में आकर कहते हैं कि बेहतर होता अगर सदर विधायक उनके साथ होते, जबकि खुले मंच पर उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें जलील किया है। शिवरात्रि महोत्सव में विधायक को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इसके बाद भी सीएम को लगता है कि विधायक हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र मेरा परिवार है और आज वह अपने परिवार के लिए खड़े हैं और हर स्तर पर आवाज बुलंद रखेंगे। आज मैं अपने परिवार, जो मेरा परिवार, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज मैं उसके लिए खड़ा हूँ। आज मैं आवाज उठाऊंगा। मैं कोई ना महेंद्र सिंह से डरता हूँ, ना मुख्यमंत्री से डरता हूँ, इस बात के लिए नहीं। मैं सच्चाई के साथ जो है जीना जानता हूँ। मैं सच्चाई मेरे साथ है कि जिस विधायक को आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक सब आपके सांसद यहाँ आए बैठ लिए, कुर्सी आपने दी मेरे को, सारे मंच पे आपने मेरे को यहाँ लज्जित किया। क्या मैं बंधुआ मजदूर हूँ आपका, पार्टी का, कि आप मुझे जो हैं जहाँ जोतना चाहें जोत लें, जब दिल आए तब जो है बाहर कर दें? वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने शिवरात्रि के अंदर मुझे जो है कोई इन्विटेशन नहीं दिया, तो आप कैसे सोचते हैं कि मैं आपके साथ चलकर काम करूंगा। अनिल शर्मा ने कहा कि आज नगर निगम के चुनावों में लोगों को डरा धमकाकर वोट मांगे जा रहे हैं। यदि मंडी शहर में विकास करवाया होता तो गलियों में जाकर वोट नहीं मांगने पड़ते। महेंद्र सिंह ठाकुर ने शहरी विकास मंत्री रहते मंडी शहर में धर्मपुर के लोगों को स्थापित किया और आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को कहीं और फेंका जा रहा है और धर्मपुर के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। यदि नगर निगम भाजपा की बनी तो उसमें भी धर्मपुर के लोग ही कब्जा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा 15 सीटें होगी तभी मुख्यमंत्री का एक सिर ऊंचा होगा, जिला का मुख्यमंत्री, काम की बतनी आपको ध्यान आया यहाँ का? तब धर्मपुर का ख्याल आता रहा, सराज का ख्याल आता रहा, आज मंडी के लोग हमारा फैसला करेंगे। मैं जानता हूं डगर आसान नहीं है। यदि भाजपा में गए तो कांग्रेस छोड़ के गए थे, यदि आश्रय आज कांग्रेस में आए तो यहां भी डगर आसान नहीं है। फिर भी प्रयास होना चाहिए। हम उनके साथ नहीं, जो प्रतिद्वंदी है उनके साथ हमारा मुकाबला नहीं है। अब जनता जब खड़ी हो जाती है तो प्रतिद्वंदी से डर नहीं लगता, और मैंने आज जनता का मूड टटोल लिया है, और इसलिए जनता के मूड के ऊपर हम जो लड़ाई लड़ने के लिए आगे चलेंगे कि वोट मांगने के लिए मंडी। महेंद्र सिंह जी, आज डरे हुए लोग हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मंडी के लोग डरे हुए हैं, कुछ ट्रांसफर से डरे हैं। एक एक अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लिए जाते हैं, उनको फोन किए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है। ये कोई चुनाव है? आप खुले तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए। मुख्यमंत्री जी, इस बात को देखें, हमारे लोगों ने यदि आपको वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी को जो है विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या उनके साथ ऐसा न्याय कर रहे हैं आप कि धर्मपुर के लोग यहाँ हेडक्वार्टर में नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर फेंके जाते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है। क्या आज ये भी सोच रहे हैं कि यदि नगर निगम आपकी हुई, महेंद्र सिंह की हुई, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये भी लोग डरे हुए हैं। पत्रकार वार्ता में अनिल शर्मा दस्तावेजों के साथ आए और कहा कि मंडी जिला में सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। सारी योजनाओं का पैसा सिर्फ इन्हीं दो क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। आज जयराम ठाकुर प्रदेश के नहीं बल्कि सिर्फ सराज के मुख्यमंत्री ही बनकर रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं कि मेरे को क्यों कहा। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, पंडित सुखराम को संचार क्रांति का मसीहा जानते होंगे, शांता कुमार जी को पानी का मंत्री जानते होंगे, धूमल जी को सड़क का मंत्री जानते होंगे, अभी आपको जो है आपको लगता है कि सराज के ही मुख्यमंत्री आप बन के रह गए हैं। आप तो सराज से बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक आप सराज से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास सब आंकड़े हैं कि सराज के लिए आप क्या कर रहे हैं। यदि आज भी दो ही जगह, अब मैं हैरान होता हूँ, 10-13 रेस्ट हाउस बन रहे, रेस्ट हाउस के वो इंस्पेक्शन हट बोलते हैं उनको, 10-10 करोड़ के इंस्पेक्शन हट बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे, 10 धर्मपुर में 3 सराज में। कमाल हो गया क्या? हिमाचल में दो ही विधानसभा क्षेत्र हैं,